तो ये बोट हाउस की बालकनी है। ये रहा श्रीनगर, हम यहाँ पे है डल लेक में। शरबत का फल मीठा होना चाहिए, बहुत मीठा होता है। तीखा भी होना चाहिए? नहीं, तीखा नहीं होना चाहिए। तुमको एक कश्मीरी पुलाव। लोग हैं तनमक में और यहाँ पे हमने रेंट किया है ये जैकेट, दो जैकेट। हमने बोला था कश्मीर को कश्मीर नहीं, कैशमोर बोलते हैं, कैशमोर। वो वहाँ पे गंडोला राइड, बर्फीले पहाड़, बादल, खुला आसमान, जन्नत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का दिन है 6th of March, सुबह के बज चुके हैं 8:40। हम हैं बोट हाउस में, ब्लू हेवन, क्वीन ऑफ हेवन बोट हाउस का नाम है। तो कल ज़्यादा व्लॉग कर नहीं पाया शाम के टाइम पे, क्योंकि थोड़ी हालत डाउन थी, इसलिए कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाया। लेकिन हमने रात में बोट हाउस में चेक इन तो दोपहर में ही कर लिया था, लेकिन तो ये बोट हाउस की बालकनी है। सामने सभी होटल्स दूर के वो साइड, ये लाइन से सभी बोट हाउसेस है, पूरा एंड तक बहुत दूर तक है। तो भी इस गैलरी से हम आपको रूम टूर देते हैं। तो एक लिविंग एरिया आपको मिल जाता है, काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, एंड सोफ़ाज रखे हुए हैं, कुछ एंटिक्स रखे हुए हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे आता है डाइनिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया है। लाइट्स अभी है नहीं, जनरेटर पे चालू है, इसलिए यहाँ पे इतना लाइट्स नहीं है। डाइनिंग एरिया के बाद आते हैं, तीन रूम्स है एक्चुअली, एंट्रेंस यहाँ से एंटर करना होता है। ये रूम नंबर 1 है, डबल बेड और सिंगल बेड। हम लोग ने कल ही चेकिंग कर लिया, तो पसंद आया, अभी हम लोग चेकआउट करने की तैयारी में भाई। कल का होटल और इसका वॉशरूम, ये वॉशरूम फर्स्ट रूम का। रूम नंबर 1 इज डन, लेट्स गो टू रूम नंबर 2। ये रूम नंबर 2 है, सिर्फ डबल बेड है यहाँ पे, दो सिंगल बेड, सोफा है, टीवी है, टीवी चलती नहीं है। इसका वॉशरूम यहाँ पे, वॉशरूम का फॉर्मेट सेम है तीनों रूम में। ये हो गया वॉशरूम, बाथटब है। रूम नंबर 3 जहाँ की मैं सोया था लास्ट नाइट, ये सबसे बड़ा रूम है यहाँ का तीनों रूम में से, डबल बेड एक्चुअली, इसमें हम लोग 4 लोग सोए थे रात को। यहाँ पे सिंगल बेड भी है, ठीक है। अब वॉशरूम, यहाँ पे वॉशरूम देख लिए, मतलब तीनों रूम का वॉशरूम सेम फॉर्मेट का है। तो ये पूरा बोट हाउस पड़ा हमें 11,000 में, जो कि हम 11,000 देने नहीं वाले, क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि वाईफाई देगी, लेकिन वाईफाई इन्होंने दिया नहीं हमें, वाईफाई का सर्विस दिया नहीं, तो उसका हम कुछ चार्जेस कट करेंगे। प्लस पानी, गर्म पानी आ नहीं रहा है सुबह से, तो उसका भी हमें वेट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डिले हो रहा है। तो बोट हाउस तो काफ़ी अच्छा है, मतलब जितना एक्सपेक्टेशन था उससे तो अच्छा ही था, बस पानी की थोड़ी दिक्कत है और वाईफाई नहीं था, इतना ही है। तो कभी भी आप चेक इन कर रहे हो बोट हाउस में, पहली बात कर लो कि वाईफाई की सुविधा है कि नहीं, गर्म पानी की सुविधा है कि नहीं। बेड में जो हीटर था वो तो उन्हें बोला था, वो तो था बेड में हीटर, तो जिसकी वजह से नींद अच्छी आई थी। बस यही छोटी मोटी चीज़ें जो आप ध्यान रखा करें जब भी आप बोट हाउस में चेक इन करो या बुकिंग करो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टाइम हो चुका है सुबह के 11 बज चुके हैं, हम लोग हैं बोट हाउस में। आज का प्लान है गुलमर्ग जाने का, तो सामान वगैरह पैक हो चुका है, फ्रेश हो चुके हैं सब लोग, रेडी हो चुके हैं, बस कुछ समय में निकल जाएगी गुलमर्ग के लिए बर्फीली वादियों में। कल का दिन काफ़ी अच्छा था, बस शिकारा राइड किया और शंकराचार्य मंदिर विजिट किया, उसके अलावा कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, तो इतना कुछ कंटेंट बना नहीं पाए कल। लेकिन आज का दिन काफ़ी एक्साइटिंग रहने वाला है, काफ़ी, क्योंकि हम जाने वाले हैं बर्फीली वादियों में, पहाड़ों में, ठीक है। तो आज शायद आपको कुछ अच्छा कंटेंट देखने मिले। तो आज हम है यहाँ पे, कहाँ गए, श्रीनगर का है, डल लेक, ये रहा श्रीनगर। हम यहाँ पे है डल लेक में, हम यहाँ से जाएंगे गुलमर्ग, ठीक है।
गुलमर्ग होने के बाद 2 दिन का स्टे वहाँ पे है, फिर गुलमर्ग से होते हुए हम जाएंगे पहलगाम, पहलगाम यहाँ पे है, तो वापस हमें गुलमर्ग से श्रीनगर होते हुए पहलगाम जाना है। तो उस तरीके से ये ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी, मतलब प्लान की है हमने ऑलरेडी, बने रहिएगा। अच्छे, सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स गुलमर्ग एंड वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस आई गेस। सो क्लाइमेट मस्त है एकदम, धूप निकली हुई है, ठंडी इतनी कुछ है नहीं, और ये हमारे ड्राइवर साहब जो कल थे वही आज भी है। 2 टवेरा बुक की है, 6 लोग ये गाड़ी में, 4 लोग वो वाली गाड़ी में। सबसे पहले लगी है भूख, क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं है और लंच का टाइम हो चुका है, तो कोई अच्छे होटल का आने का वेट कर रहे हैं, तो दिक्कत रुक जाएगी वहीं पे। खाने के लिए होटल कितना टाइम लगेगा आने के लिए? बस आधा घंटा और ठीक है। ऑन रिकॉर्ड अंकल ने बोला है कि आधा घंटे में होटल आना चाहिए। नहीं, होटल बहुत सारे हैं ऑन द वे, बहुत सारे। अच्छा, लेकिन अब इतना टाइम वेट किया कि अच्छा होना चाहिए। बराबर, सबर का फल मीठा होना चाहिए, बहुत मीठा होता है। तीखा भी होना चाहिए? नहीं, तीखा नहीं होना चाहिए। अरे तुमको तीखा खाना पसंद है? हमको कल से मीठा ही खा रहे हैं। बिरयानी अच्छा मिलेगी, अच्छी थी। वाजवान में होता क्या है? वाजवान में 7-8 डिशेज होते हैं मटन का। अच्छा, बकरे का? हाँ, बकरे का। हमारी शादी में, शादी ब्याह होता है, लड़के का होगा वही चलेगा। अच्छा, वाजवान? हाँ, कोई कम कोई ज्यादा। अच्छा, तो वो तो कंपलसरी है, करना तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेहमानों को खिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहुंच गए, अब हम नारबंग लेफ्ट साइड हम जाएंगे, गुलमर्ग टंगमर्ग। तो ये आगे रास्ता कहाँ जाता है? आगे रास्ता सीधा जाएंगे बोर्ड की तरफ से, बारामुल्ला जाएगा, उरी। हाँ, अच्छा, उरी जाएगा, बारामुल्ला जाएगा, और यहाँ पे जाएगा लेफ्ट, जाएगा गुलमर्ग के लिए। गुलमर्ग के लिए, ओके। कुपवाड़ा भी वहाँ से सीधा जाना था कुपवाड़ा। तो हम रुके लंच के लिए, बहुत जल्दी आ गया ढाबा। भाई दबा के खाना खा लिया, काश्मीरी पुलाव, दाल राइस, फ्रेंच फ्राइज, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट, सब दबा के खा लिया। अभी नींद आ रही है, अब ज़रूरत है एक चाय की, एक एक चाय पिएंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। चाय की चुस्की विद MSK। नाइस, ज़्यादा स्वीट नहीं है। अभी हम हैं तनमार्ग में, तो यहाँ से ग्लव्स एंड जो जैकेट्स, स्नो जैकेट्स है वो रेंट करना है, एंड सॉरी शूज़ भी रेंट करना है। ये ऐसे वाले लॉन्ग जैकेट्स आपके पास, ऐसे इतने लॉन्ग जैकेट्स की आपको रिक्वायरमेंट है, यहाँ तक शूज़। अच्छा जी भाई, तो हमारे पास 2 किस्म का ड्रेस है भैया। एक का हम लेते 250 रुपीज़ शूज़ और जैकेट मिला के, इसका लेते 350 रुपीज़ शूज़ और जैकेट, लेकिन ये रहता है लॉन्ग गर्म और ये पूरा फुल सेट रहता है यहाँ। तो अभी यहाँ पे हम लोग एक एक करके ट्राई कर रहे हैं अपने साइज़ के हिसाब से जैकेट एंड शूज़। हम लोग हैं तनमग में और यहाँ पे हमने रेंट किया है ये जैकेट, स्नो जैकेट, जो कि नी लेंथ तक है, एंड ये शूज़ और ये ग्लव्स मैंने खरीदे, ये रेंटिंग ये खरीदे 100 रुपये के, तो ये वाटरप्रूफ है। मेरे पास जो थे वो वाटरप्रूफ नहीं, वो गीले होने के फुल चांसेस है, इसलिए मैंने ग्लव्स भी लिए। तो जैकेट और शूज़ का रेंट एक दिन का वो 350 से उन्होंने स्टार्ट किया था, 350 से, तो हमने बार्गेन करके उनको 250 तक लेके आए। तो आपके बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड है कि आप कितना बार्गेन कम कर सकते हो और कितना नीचे अमाउंट लेके आ सकते हो। तो आप कहीं भी जाओ कश्मीर में या कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाओ, तो अभी ध्यान रखिएगा जो वो अमाउंट बताते हैं आप बार्गेन कर सकते हो। तो 350 से स्टार्ट किया था हमने, 250 पे डन किया थी। तो यहाँ से हम जाएंगे अभी गुलमर्ग, एंड आगे की जर्नी के लिए बने रहिएगा। यात का अंदर आ गए गुलमर्ग में, होटल ढूंढ रहे हम लोग, ने एडवांस बुकिंग नहीं किया था,
हमने प्लान किया था कि यहीं पे आके हमारे हिसाब से जो पसंद आएगा वो होटल बुक करेंगे। तो अभी होटल ढूंढ रहे कोई अच्छा लोकेशन और हमारे बजट में हो ऐसा कोई। काफ़ी हसीन ऐसा नज़र है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, बर्फीले पहाड़, बादल, खुला आसमान, जन्नत। जो ड्राइवर साहब है वो हमें ये होटल सजेस्ट करे जमजम, लेकिन बाहर से कुछ खास लग नहीं रहा है मुझे। कि आप हालत देख लो इसकी यार, आधा तो गिरा हुआ लग रहा है ऊपर से। तो ये मैंने तो यहीं पे रिजेक्ट कर दिया इसको, लेकिन फिर भी अभी इनके तसल्ली के लिए जाके देख के आते एक बार। तो होटल जमजम रिजेक्ट हो चुका है, हम जाएंगे अभी होटल अफवाद नहीं है अवेलेबल। होटल ढूंढने का काम जारी है, प्रोसेस में, सब होटल सोल्ड आउट है। जो अच्छे अच्छे होटल सब सोल्ड आउट है, और जो अवेलेबल है वो वहाँ पे हमको जच नहीं रहा, वो जम नहीं रहा। तो हमारे कुछ दोस्त वहाँ पे आगे गए इंक्वायरी करने के लिए कि होटल्स अवेलेबल है या नहीं। अब आप ऐसा करो, जो भी वापस बोलो, कैमरा चालू है, बोलो। नहीं नहीं, कश्मीर को क्या बोलते? नहीं नहीं, कश्मीर को कश्मीर बोलते हैं। ये अंकल ब्लफ कर रहे, थोड़े टाइम पहले मेरा कैमरा ऑफ था, इन्होंने बोला था कश्मीर को कश्मीर नहीं कैश मोर बोलते हैं, कैश मोर। नो नो नो, कश्मीर आपके लिए है, हम आपका वेलकम करते हैं। yes, yes, टूरिस्ट को हम वेलकम करते हैं। जब जहाँ तक देखो वहाँ तक बर्फ है, बर्फीले पहाड़, वो वहाँ पे गंडोला राइड, कैमरे में देखिएगा नहीं। तो हो चुका है एक बड़ा पोपट। हमने प्लान किया था कि एडवांस बुकिंग नहीं करेगी होटल्स की गुलमर्ग में। हमने सोचा था कि हम वहाँ पर जाएंगे, होटल देखेंगे, अपने हिसाब से अपने बजट में हम होटल बुक करेंगे ऑन द स्पॉट। लेकिन वो आइडिया हो चुका है फेल, क्योंकि वहाँ पे सब सोल्ड आउट था और जो बचे कुछ होटल थे वो हमको खास पसंद नहीं आ रहे थे। तो हम वापस आ चुके हैं तनमर्ग नीचे, जो कि आधा घंटा दूर है गुलमर्ग से। तो यहाँ पे होटल स्टे करेंगे आज रात के लिए, और कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे गंडोला राइड के लिए। तो ये अभी डिसाइड हुआ है। होटल मिल चुका है फाइनली, यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल अल्पाइन एंड रेस्टोरेंट, और यूनिट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये गवर्नमेंट का होटल है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पे हमने तीन रूम लिए, 1680 मतलब 1680 रुपये का एक रूम, प्लस और एक 1680 रुपये का एक रूम, और जो और एक थर्ड रूम है वो है 2700 का, जिसमें चार लोग रहेंगे, बाकी दोनों रूम में तीन तीन लोग रहेंगे। तो कल तक के लिए ही है, उसके बाद हम निकल जाएंगे पहलगाम के लिए। तो अभी तक का ये अपडेट है, सामान उतारेंगे गाड़ी पे से। तो ये एक रूम है, ये एक रूम है, एंड वो चार लोग का रूम है, बड़ा वाला, सबसे बड़ा वो है। रूम दिखा देता हूँ, ठीक है, हीटर है यहाँ पे, बेड में भी हीटर है, एंड यहाँ से ज़रा देखते हैं। तो ये सामने सामने का व्यू जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क की, वहाँ पे नीचे। और ये रहा यहाँ पे वॉशरूम। तनमर्ग के मार्केट में, मार्केट प्लेस है जहाँ पे सुबह हमें गंडोला राइड के लिए बस मिलेगी। यहाँ से बस से होगी या पता नहीं, जो भी लोकल ट्रांसफर होगा। 50 रुपीज़ टिकट ऐसा बोला गया है, लेकिन वो कल सुबह पता चलेगा। इस होटल में MMT स्टॉल में हमने चाय पिया, मैगी खाया है, इवनिंग का थोड़ा स्नैक्स यहाँ पे हम लोग का हो गया। अभी रात का डिनर पता नहीं, रात का डिनर होगा कि नहीं, इसके बाद होगा पक्का। कल भी हमने यही गलती की थी, हमने शाम को स्नैक्स खा लिया। एक सेकंड, हमने शाम को मेरी बात ठीक है भैया, वुमेन्स। तो कल शाम को इसी हुआ था, हमने भूख लगी थी 7:30 हो रहे थे, तो हम लोग ने थोड़ा स्नैक्स खा लिया था, कि थोड़ा खाएंगे और रात को डिनर करेंगे। लेकिन इतना खा लिया कि रात को जो डिनर आया था वो मोस्ट ऑफ वेस्ट हो गया, जो कि गलत चीज़ है यार। तो अभी मैगी वैगी खा ली गई है, देखते रात को कितना खाना खाएंगे ये लोग। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक है, इसके बाद हम जाते हैं होटल, और कुछ देर गपशप लड़ाने के बाद हम सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह हमें जाना होता है गंडोला राइड के लिए।
हमारे गंडोला राइड का एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा।